वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Realme UI 4.0 अपडेट के बारे में। साथ ही अभी तक में Realme के डिवाइसेस में जो भी अपडेट्स देखने को मिले हैं, मार्च 2023 में जो भी अपडेट्स देखने को मिले हैं रिसेंट में, उनके बारे में आगे वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड अगर आपको इन फ्यूचर में भी इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वेल दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली अपडेट सामने निकल के आ रही है Realme की तरफ से, Realme Narzo 55G डिवाइस को लेकर। तो अगर आप इंडिया के अंदर Realme Narzo 55G डिवाइस को यूज़ कर रहे हो तो इस डिवाइस के लिए मार्च 2023 के मंथ का लेटेस्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट को इंडिया के अंदर रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया। एंड इस अपडेट का जो वर्जन है वो RMX 35711C.04 देखने को मिला है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिला है या फिर नहीं। और अगर आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को नहीं मिला है तो यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। सिंपली आपको थोड़ा सा वेट करना है, 7 डेज का वेट करना है। 7 डेज के अंदर अंदर आपको ये न्यू अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस न्यू अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस में काफ़ी कुछ न्यू फीचर्स यहाँ पे देखने को मिला है। सबसे पहले तो आपके डिवाइस के सिक्योरिटी में इंटीग्रेट्स द फेब्रुअरी एंड मार्च 2023 एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैचेस। तो यहाँ पर आपको फेब्रुअरी एंड मार्च के मंथ का लेटेस्ट एकदम सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सिस्टम में सिस्टम परफॉर्मेंस एंड सिस्टम स्टेबिलिटी को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। तो आपको यहाँ पे डेली टास्क में, मल्टीटास्किंग में, गेमिंग में, ऐप ओपन क्लोज में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों, तो Realme GT डिवाइस के लिए भी मार्च 2023 के मंथ का लेटेस्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट को इंडिया के अंदर रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया। एंड इस अपडेट का वर्जन RMX 22.02.11F.08 देखने को मिला है। एंड इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस के सिक्योरिटी में इंटीग्रेट्स द मार्च 2023 एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच टू इनहेंस सिस्टम सिक्योरिटी। तो यहाँ पर मार्च 2023 के मंथ का एकदम लेटेस्ट यहाँ पे सिक्योरिटी पैच को प्रोवाइड किया गया है। साथ ही यहाँ पे सिस्टम सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर सिस्टम में ऑप्टिमाइज द सिस्टम परफॉर्मेंस इन सम सिनेरियोस टू मेक योर फोन रन मोर स्टेबली। तो यहाँ पर आपके डिवाइस के सिस्टम परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है जिससे कि आपका डिवाइस काफ़ी ज़्यादा स्टेबली यहाँ पर रन करेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों, तो Realme GT 2 डिवाइस के लिए भी इंडिया के अंदर मार्च 2023 के मंथ का लेटेस्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट को रोल आउट किया गया है। एंड इस अपडेट का वर्जन RMX 33112.11C.10 देखने को मिला है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिला है या फिर नहीं। और अगर आपको आपके डिवाइस में ये न्यू अपडेट देखने को नहीं मिला है तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, 7 डेज का वेट करना है। 7 डेज के अंदर अंदर आपको ये न्यू अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। एंड इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस में काफ़ी कुछ न्यू फीचर्स यहाँ पे देखने को मिला है। सबसे पहले तो यहाँ पे सिक्योरिटी में इंटीग्रेट्स द मार्च 2023 एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच। तो यहाँ पर मार्च 2023 के मंथ का एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच को प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर एंड स्टेटस बार में फिक्स्ड द प्रोबेबिलिटी एरर ऑफ स्टेटस बार डिस्प्ले। तो यहाँ पे स्टेटस बार डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा बग्स था तो उसे यहाँ पे इस अपडेट के बाद फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे वायरलेस में फिक्स्ड द प्रोबेबिलिटी इशू ऑफ नॉट टू एबल टू यूज़ NFC। साथ ही यहाँ पे कैमरा में फिक्स्ड द प्रोबेबिलिटी एरर ऑफ फोटोज डिस्प्ले। एंड यहाँ पे फाइनली सिस्टम में सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। तो दोस्तों, बस यही सभी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आई थी जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया हूँ। एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी दोस्तों, आप चाहे तो मुझे ट्विटर, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम तीनों में ही फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।